एक बार फिर से लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर आज हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब उन्हें लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर इस वक्त जितने भी कंटेस्टेंट मौजूद हैं, इन सभी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है जनता के वोट की, जनता के सपोर्ट की। और लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट पूरी हमारे पास आ चुकी है कि किस कंटेस्टेंट को कितने वोट मिले हैं। ऐसे में क्या आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को जनता वोट कर रही है, नहीं, कौन है आगे कौन है पीछे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। चलिए बात करते हैं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की और इस हफ्ते कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो पहले और दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और वो कौन से कंटेस्टेंट हैं जो बॉटम टू में हैं और उनमें से कोई एक कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर को छोड़कर चला जाएगा। दरअसल इस हफ्ते 4 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें पहला नाम है जैड हदीद का, दूसरा है अविनाश का, तीसरा है जिया शंकर और चौथा है मनीषा रानी। ये चारों इस वक्त नॉमिनेशन में हैं। चारों के सर के ऊपर एलिमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। बात करें अगर वोटिंग की कि वोटिंग लिस्ट में कौन किस नंबर पर है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर की। तो हम आपको बता दें कि पहले नंबर पर मनीषा रानी है। जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ मनीषा रानी पिछले दिन से ही पहले नंबर पर बनी हुई है। जब से नॉमिनेशन टास्क हुआ है, मनीषा रानी को उनके फैंस तो वोट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एलविश और फुकरा के वोट्स भी मनीषा रानी को ज़बरदस्त मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि मनीषा रानी पहले नंबर पर बनी हुई हैं। दूसरे नंबर पर हैं जिया शंकर, जिन्हें भी अच्छे खासे वोट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर बने हुए हैं अविनाश, जो कि बॉटम टू में हैं, खतरे में हैं, कभी भी तीसरे से वो चौथे नंबर पर खिसक सकते हैं। और चौथे पर हैं जैड, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि अगर इस हफ्ते एलिमिनेशन होता है तो जैड का पत्ता साफ हो जाएगा। पता नहीं जैड वैसे भी 7वें हफ्ते तक किस तरह पहुंच गए। ऐसे में आपको बता दें कि अगर एक एलिमिनेशन होता है तो जैड बाहर हो जाएंगे, अगर डबल एलिमिनेशन होता है तो जैड के साथ साथ अविनाश का भी पूरी तरह से पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में आपका एलिमिनेशन के बारे में क्या सोचना है, साथ ही साथ आप किस कंटेस्टेंट को वोट कर रहे हैं जो 4 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एलविश और अगर आप फुकरा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।